स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है, न सिर्फ कोविड बल्कि अब ब्लैक फंगस के कहर से भी सभी परेशान हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से खुद को बचाएं, ब्लैक फंगस से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो आखिर करें क्या? आपके हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। आप अगर कोविड ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको dear.doctorfirst@gmail.com पर अपना कोविड से जुड़ा या पोस्ट कोविड आने वाली परेशानी से जुड़ा हुआ सवाल नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयपुरिया हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनीत, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। डॉक्टर सुनीत, सबसे अहम सवाल देखिए, अब तक हम कह सकते हैं कि अब अच्छी बात है, प्रदेश की अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, मौतों के आंकड़े कम हो रहे हैं, वैक्सीन यहां पर लग रही है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश यहां पर जारी है, परिणाम भी नजर आते हैं। लेकिन डॉक्टर सुनीत, सबसे अहम जो समस्या अब नजर आती है वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर है, और अब क्योंकि अनलॉक भी होगा, भीड़ भाड़ होगी, बाजार खुलेंगे, क्या कहेंगे आप कि अभी की मौजूदा स्थिति क्या है और हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है आने वाले वक्त के लिए? सरकार के प्रयास, डॉक्टर्स के अथक प्रयास, मीडिया का अपना रोल, सबका योग, जो रोल मिलकर मिला जुला असर रहा है, आज हम कह सकते हैं कि यस, कोविड अपनी काफ़ी कंट्रोल वाली स्थिति में है। जहां तक आप भीड़ भाड़ वगैरह बात कर रहे हैं, हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए, पर यस, अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो हमको सबको अपना संयम बरतना है। जो सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस लेड डाउन हो रही है, जो मीडिया बार बार बता रहा है, ऑथेंटिक चैनल्स आपको बता रहे हैं, उस पर हमको फॉलो ज़रूर करना है। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको डेफिनेटली मास्क पहन के जाना है। सरकार का भी बहुत बड़ा नारा है, घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के ही निकलें, ये हमको सबको ध्यान रखना है जी। जब भी बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, हर ओर बात हो रही है, अपनी साफ सफाई, हैंड वॉश की बात हो रही है, इन सब चीज़ को हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं हम बहुत अच्छी स्थिति में हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सुनीत, लेकिन अहम सवाल ये भी है डॉक्टर कि मामले कम हो रहे हैं लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर मामले आ रहे हैं, मौजूदा स्थिति को प्रदेश में आप कैसे देखते हैं कोविड को लेकर? देखिए, डेफिनेटली ब्लैक फंगस और या मुख्योर माइकोसिस जिसको कहा जाता है, इसके मामले जरूर बढ़े हैं, पर सरकार भी इसके प्रति गंभीर है, प्रशासन भी इसके प्रति गंभीर है, और डॉक्टर फ्रेटर्निटी एज अ होल इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील है। जितने भी केसेस आ रहे हैं, अगर मैं जयपुरी अस्पताल की बात करूं तो मेरे पास अब तक करीब 30 पेशेंट्स आ चुके हैं, काफ़ी लोग यहां से ठीक होकर घर गए हैं। इस समय मेरे पास 11 केसेस ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, एक केस ज़रूर आईसीयू में है, बाकी तकरीबन जो केसेस हैं 18 केसेस, वो काफ़ी हद तक ठीक हैं या घर की चले गए हैं। डेफिनेटली इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, ये ब्लैक फंगस भी एक तरह के कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा गया है कि जिस तरीके की दवाइयां लोगों की चलती हैं। मैं जब अपने आंकड़ों को इवैल्यूएट कर रहा था तो करीब करीब जो 30 पेशेंट्स आए थे उसमें 2 पेशेंट्स ही केवल ऐसे थे जो पहले से या तो डायबिटिक नहीं थे, और बाकी ज़्यादातर केसेस अगर हम देखें 6-8% केसेज ही हमारे नॉर्मल थे, बाकी ज़्यादातर केसेस के अंदर डायबिटीज़ या तो उनको थी या स्टीरॉइड्स की मात्रा किसी ना किसी रूप में शुरू से दी गई थी, और ज़्यादातर केसेस वो हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहे थे जी। बिल्कुल ठीक, लेकिन डॉक्टर सुनीत एक अहम बात है, देखिए इस दौरान जो हम देखने को मिला, ठीक है वो पुराना वक्त था, बहुत दिक्कतें हुई, अप्रैल मई का जो वक्त था, अब उन चीज़ों से हम निकल आए हैं, लेकिन ऑक्सीजन पर बहुत फोकस किया गया, ऑक्सीजन की समस्या बहुत हुई, आपको नहीं लगता कि अब जाकर स्थिति थोड़ा ठीक हुई है लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा कुछ ना हो, फोकस करने की इस पर ज़रूरत है, या आमजन को कोई मैसेज?
यस, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ऑक्सीजन की जो मात्रा थी, पर कहीं भी ये देखने में आया है ऑक्सीजन की वजह से कोई अप्रिय घटना पूरे राजस्थान में नहीं हुई जी। मैं अगर जयपुरी अस्पताल की बात करूं, अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक ऑक्सीजन प्लांट और लगाया है, दानदाताओं द्वारा हमारे लगाया गया है। ऑक्सीजन की पहले से भी हमारे यहाँ एक प्लांट था। जहाँ तक सिलेंडर्स की बात है, वो भी पर्याप्त मात्रा में है। अब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी बहुत सारे खरीद लिए गए हैं। यहाँ अगर एक बात मैं जरा सी जोड़ना चाहूँ, तो परसों पर्यावरण दिवस था जी। उस दिन हमारे अस्पताल प्रांगण में पूरे जयपुरिया परिवार ने मिलकर 250 पेड़ लगाए, जो एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन पैदा करने में अहमियत देगा आने वाले समय में। बिल्कुल, लेकिन शहर और गांव दोनों में हालात बहुत अंतर हैं। ठीक है, मामले बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में आए थे, अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुनीत, उतना फोकस गांव में नहीं है कोरोना को लेकर जितना शहरों में है। क्या इस दिशा में भी कोई काम किया जा रहा है या करना चाहिए? देखिए, इस दिशा में सरकार की ओर से भी कार्य का बहुत सारे, सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है इस विषय में, मीडिया का भी बहुत ध्यान है, बट बहुत सारे संगठन भी इससे जुड़ गए हैं कि किस तरह ये धारणा जो है, अपने आप को बचाओ ताकि हम दूसरे को बचा सकें, ये लड़ाई कोई सरकार की या डॉक्टर या मेडिकल या मीडिया या पढ़े लिखों की नहीं है। ये ऐसी लड़ाई, इसमें जब हम सब मिल के काम करेंगे तो हम बड़े आसानी से इस भयावह बीमारी के ऊपर हम अंकुश पाएंगे और हम इसको जीत भी पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वही बात हो जाती है डॉक्टर की, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं और सुविधाएं दी जाती है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो पिछड़े गांव है वहां तक वो व्यवस्थाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो सरकार स्तर पर या राजधानी में हम देख रहे, वो तो नजर आता है कि हमने सब जगह सुविधाएं पहुंचाई हैं, व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी होती है वो करते नजर नहीं आते और जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें और ये आंखों देखा हाल मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन डॉक्टर सुनीत, अब ठीक है, सरकार अपने स्तर पर कर रही है, कैंप्स भी गाँव में लगाए जा रहे हैं कि किसी तरह से हम जीत जाएं और बिल्कुल इस जंग को जीतेंगे, लेकिन अभी ब्लैक फंगस को लेकर, म्यूकोरमाइकोसिस जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, इसके मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि जब मामले कम होते हैं, आंकड़े कम होते हैं, मौतों के आंकड़े कम होते हैं, हर चीज अनलॉक होती है, तो लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, फिर से सामान्य वैसे ही लापरवाही नजर आती है। आपको नहीं लगता कि इसको लेकर भी फोकस करने की जरूरत है? जी, ये बिल्कुल श्वेता जी आपने सही कहा कि लोग बाग लापरवाही हो जाती है, पर लापरवाही हमको नहीं करनी है। हमको ये लड़ाई थोड़ी अभी लंबी लड़नी है। हमने जंग जीती है, पर पूर्णतः अभी इसमें विजय नहीं प्राप्त हुई है जी। इसके लिए अभी हमको थोड़ा सा प्रयास और करने हैं। यहाँ सबसे गुजारिश है कि जब ब्लैक फंगस की बात करते हैं तो क्यों होता है? ये स्पोर्ट्स तो वातावरण में है, पर ये क्यों होता है? क्योंकि आपके लड़ने की शक्ति, बीमारी से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। किन लोगों में कम होती है? जिनमें डायबिटीज़ हो या पुरानी बीमारियां जिनके अंदर होती है, या जिनको स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं पहले दिन से, जो जाने दवाई के जाने अनजाने अभाव के अंदर अपनी ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिसकी वजह से शरीर के लड़ने की शक्ति कम होती है। कुछ पुरानी बीमारी हैं, कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे किडनी फेलियर्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, लिवर डिजीजेस हैं, इस तरीके की समस्याओं में भी लड़ने की शक्ति कम होती है। तो ये सब चीज़ों को हमको बढ़ाना है। म्यूकोरमाइकोसिस जैसे आपने कहा कि यस, साफ सफाई हमको पूरी तरह रखनी है, खान पान का हमको ध्यान देना है। अगर हम केवल एक मास्क पहने तो बहुत बड़ी बीमारियों से हमको बचाया जा सकता है जी। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मास्क पहनते नॉर्मल कंडीशन में और वहाँ किसी बीमारी देखने को भी नहीं मिली, जैसे जापान एक ऐसा देश है। वहाँ बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है सोशल डिस्टेंसिंग की, साफ सफाई की, मास्क पहनने की। तो आप ये देखेंगे कि अच्छाई हमको जरूर ग्रहण करनी चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ी सीख है। और हमने अभी पिछले 2 वेव्स में ये देखा भी है कि केवल एक मास्क ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। हालांकि हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, पर मास्क एक अपने आप में, एक तरह से ये मान के चलिए, ये वो कारगर वैक्सीन है जो बिना लगाए भी आपको प्रोटेक्शन देती है। बिल्कुल डॉक्टर सुनीत, और मास्क इसलिए शुरुआती दौर से कहा जा रहा है कि मास्क आप लगा के रखिए, आधी बीमारियों से आप वैसे ही बच जाएंगे, संक्रमित होने से बच जाएंगे। लेकिन जब सेकंड वेव आई डॉक्टर सुनीत, तो एक बात कही जाने लगी कि डबल मास्किंग बेहद जरूरी है, क्योंकि अब जो ये वायरस है ज्यादा खतरनाक हुआ। लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हुई है, तो क्या अभी भी डबल मास्किंग को ही हमें प्रेफर करना चाहिए या सिंगल मास्क से भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, मास्क सिंगल या डबल से फर्क नहीं पड़ता। मास्क प्रोटेक्शन वाला मास्क होना चाहिए, N95 जो बताया गया है, या ट्रिपल लेयर मास्क बताया गया। जिस समय पे आपको N95 पहनना है, जैसे वो डॉक्टर सर्जन्स के लिए ICUs में जा रहे हैं,
पर ट्रिपल लेयर मास्क काफ़ी बड़ी मात्रा में पर्याप्त है, जो 90% आपको प्रोटेक्शन देता है। तो आप ये सुनिश्चित लगें, जो घर पहने पतले कपड़े का मास्क लगा लेते हैं, कई बार लोग बाग नाक के नीचे की ओर खींच लेते हैं, बात करते समय नीचे, इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। बट डेफिनेटली मास्क आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको मास्क पहनना ही है। और जो प्रॉपरली मार्क्ड मास्क हैं, जैसे N95 है या ट्रिपल लेयर है, जो ISI है, उन्हीं का उपयोग करें। हमको इधर उधर से खरीदे हुए मास्क या घर में पतले कपड़े के बनाए हुए मास्क, वो इतने कारगर नहीं होते हैं। बिल्कुल। और ये हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं, इसके मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके मुख्य वजह क्या स्टेरॉइड्स ही है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए कहा जाता है, लेकिन क्या सामान्य व्यक्ति भी इसकी जद में आ सकता है, जो स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो, या कोविड से ठीक होकर ही आया हो, क्या उसके लिए भी ये खतरनाक है? यस, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अभी हमारे इवेल्युएशन कर रहा था, तो हमारे, जैसे मैंने कहा, 6-7% पेशेंट्स ऐसे आए हैं। 30 केसेस जो मेरे पास है, उसमें मैंने स्टडी किया कि 2 केसेस ऐसे थे जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, ना वो डायबिटिक थे, ना कोई क्रॉनिक बीमारियां थी, ना उन्होंने स्टीरॉयड लिए थे, फिर भी किसी तरह से कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के कारण ही वो हमारे पास आए। जिनकी हिस्ट्री क्या थी, जो हमने इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो साफ सफाई का भाव, हो सकता है मास्क नहीं पहनने का भाव उनमें रहा हो, तो ये एक छोटे छोटे से कारण है जिससे बचा जा सकता, और वो आज हमारे अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। तो ब्लैक फंगस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर सुनील, बिल्कुल बेहद अहम बात आपने कही। देखिए, क्योंकि एक जो जहन में एक कुछ चीज़ें बैठ गई हैं लोगों की, वो ये कि अगर आप कोविड से ठीक होकर आए हैं तो ब्लैक फंगस हो सकता है, डायबिटिक हैं आप तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वरना आपको ब्लैक फंगस नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ऐसे पेशेंट आए जिनकी हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन वो भी ब्लैक फंगस उनको भी हुआ। अब ऐसे में सामान्य व्यक्ति किस तरह के एहतियात रखे, कौन सी वो कुछ अहम चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं? देखिए, समय समय पर सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है, हम बार बार अपने फोकस कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, हाथ की सफाई, शरीर की सफाई, स्वयं की सफाई, स्वच्छता एक बहुत बड़ा इसका बचाव है। दूसरा, हमको प्रॉपर मास्क पहनना, इसका बहुत बड़ा बचाव है। तीसरा, डेफिनेटली हमको एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, घर साफ सुथरे रखने हैं, वैक्सीन समय पर जो लग रही है उसको अपने नंबर पर लगवाएँ, ताकि आपका सेल्फ प्रोटेक्शन रह सकें, शरीर में लड़ने की ताकत हो। खान पान का आप पूरा ध्यान रखिए, तो जब अपना खान पान, शरीर अच्छा होगा तो बॉडी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, तो इन तरीके की और भी जो बीमारियां हैं ना, आपको कमजोरीपन आना, थकावट नहीं आना, और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर खान पान अच्छा, उनसे भी आप बचा जा सकता है। इन सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो हम इस विश्वभरी महामारी से बड़े आसानी से हम पार पा जाएंगे। बिल्कुल। और वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश की स्थिति किस तरह से देखते हैं डॉक्टर सुनीत, क्योंकि वैक्सीन लग भी रही है, एक तरफ वैक्सीन की कमी वजह बताई जा रही है, गांव में कई गांव ऐसे जहां पर 18+ की शुरुआत नहीं हो सकी है, तो अभी ये स्थितियां कब तक सुधरेंगी, कितना वक्त और लगेगा? ये मैं चाहूंगा सरकारी स्तर पर अगर पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, पर जब भी वैक्सीन लग रही है, जब भी मौका मिले, जिसको वैक्सीन का, कोई सी भी वैक्सीन लग रही हो, उसको तुरंत लगाएं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल, यानी वैक्सीन लगाना जरूरी है, लेकिन क्योंकि और ऑप्शंस आ चुके हैं बाजार में डॉक्टर सुनीत, और इस वजह से कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, अभी तो सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, हम दूसरी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आ जाएगी फिर लगवाएंगे। आपको लगता है कि अब वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठते हैं कि ये वैक्सीन बेहतर है या दूसरी वैक्सीन, इस पर फोकस करने की जरूरत है, या फिर वैक्सीन लगवाना ही ज्यादा जरूरी है? लोग कैसे समझे इसे, क्योंकि भ्रांतियां बहुत हो रही है। जी, हमको पहले मैंने कहा कि कभी हमको भ्रांतियों पर नहीं जाना। जो वैक्सीन में मार्केट में आ रही है और गवर्नमेंट उसको ICMR या इनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इनको पास कर रही है, तो जो आपको वैक्सीन अपने नियरेस्ट सेंटर पे मिले या जब आपको लग रही हो उसको लगवाना चाहिए। हमको ये नहीं जाना चाहिए कि ए वैक्सीन अच्छी है या बी अच्छी है या सी आने वाली है वो अच्छी होगी। मैं कह रहा हूँ जो आपको मिले, आज हमारा पेट खाली है तो जो मिल रहा है उससे पेट भरें, और वो ज़रूरी है कि हमको पेट भरना ज़रूरी है, हमको प्रोटेक्शन ज़रूरी है, हमको उसमें नहीं जाना है कि कौन सी क्या है। दोनों ही वैक्सीन, जो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों ही बहुत अच्छी वैक्सीन्स हैं, दोनों ही इंडिया मेड है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, और हम करते हैं दोनों ही इफेक्टिव है। तो आपको जो वैक्सीन मिले उसको प्लीज लगाएं और इधर उधर की भ्रांतियों में ना जाएं।
बिल्कुल, यानी वैक्सीन लगाना जरूरी है और यही बार बार कहा जा रहा है कि भले कहीं पर क्राइसिस हो रही है लेकिन अगर वैक्सीन लग रही है तो आप इंतजार मत करिए, और यही बात डॉक्टर सुनीत भी कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सुनीत, चलिए अब मान लेते हैं कि एक वक्त था और जब स्थिति ऐसी बिगड़ी थी वो अप्रैल मई का वक्त था, वो पीक था कोरोना का और इसलिए मामले भी बहुत ज्यादा थे, व्यवस्थाएं सुविधाएं उस हिसाब से नहीं थी, धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पर आ गया। लेकिन आज भी जो मामले सामने आते हैं क्या वो सामान्य है या फिर उनमें भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है या फिर वैसे ही चीजें हो रही है पेशेंट के साथ जो पहले भी हो रही थी? नहीं, पहले से स्थिति बहुत बेहतर है, वो अक्यूट फेज डेफिनेटली कम हो गया है। जहाँ हमारे अस्पताल में 225-250 पेशेंट्स रहते थे, आज तकरीबन मैं देख रहा हूँ 55-60 पेशेंट्स हैं। तो ये कहना कि पहले वाली स्थिति वो नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू में भी मारामारी थी वो उतनी नहीं है, पर पेशेंट्स कुछ जो हैं वो सीरियस ज़रूर हैं। तो आप देखेंगे जो पहले डेथ रेट थी वो काफ़ी कम हो गई है, स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उस बेहतर स्थिति में हैं कि हम अब चाह रहे हैं कि नॉर्मल कोर्स के हमारे जो नॉर्मल आउटडोर्स हैं उसको जल्द से जल्द लोगों के लिए खोला जाए। बिल्कुल, स्थिति कोविड को लेकर जरूर आपने कहा कि पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर पेशेंट की बात करें, जिस तरह के पेशेंट अभी सामने आ रहे हैं पॉजिटिव होते हैं, क्या उनमें भी वैसे ही लक्षण वैसे ही क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचते हैं जो यूथ भी हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उसकी चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं, या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा बदलाव नजर आता है? ने पहले से क्या है, लोगों का रेजिस्टेंस भी बढ़ा है, लोगों को वैक्सीन भी हो गया है और डेफिनेटली जो कुछ केसेस हैं वो सीरियस भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पूर्णतः ठीक है। आज भी मेरे अगर मेरे आईसीयू में देखूँ तो 17 पेशेंट मेरे अभी आईसीयू के अंदर हैं, तो 33-35% लोग अगर मेरे आउट जितने भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो आईसीयू में हैं और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों, पर कुछ है कि हालत अभी भी क्रिटिकल है। पर मेजॉरिटी पेशेंट्स जो आ रहे हैं पॉजिटिव होके वो इतने गंभीर नहीं है जो वो एक महीना पिछला देखा है। भगवान ना करे ऐसा कभी देखने को किसी को भी मौका मिला है, वो यंग डेथ, वो पेशेंट्स का रेला पेला, वो आउटडोर में आना, वो चीख पहुँचा और ऑक्सीजन का थोड़ा सा अभाव, ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल जो दिल के अंदर एक भावना उठती है, रोज़ अस्पताल में घर आना आते कोई डेड बॉडी को देखना, मतलब इतना बुरा लगता था, क्या हम इनको बचा नहीं पा रहे हैं, क्या हमारी टीम इतनी कमज़ोर है। तो सबके अंदर वो मॉरल बूस्ट, जुनून भरना, ये इतनी बड़ी चुनौतियाँ थी जिसको हमको सबने सपोर्ट किया। मुझे याद है मेरे प्रिंसिपल सुधीर भंडारी साहब हो, चाहे हमारे सेक्रेटरी हों वैभव गलेरिया जी, चाहे सिद्धार्थ महाजन जी, अखिल अरोड़ा साहब, इतने सीनियर IAS, उनको हम जब मर्जी फ़ोन करके बात करते, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को बात करते, तो सब जगह का जो कोऑपरेशन मिला, उन सब के मिले जुला असर ये ला कि हम बहुत जल्दी इस बीमारी पे महामारी पे कंट्रोल कर पाए। बिल्कुल, और डॉक्टर सुनीत ऐसी जानकारी भी मिली थी कि ठीक है सरकार कह रही है, सरकार अपने स्तर पर भी इंतजाम कर रही है, गांव-गांव तक पहुंचे कि सर्वे हो सके, टेस्टिंग हो सके, मामलों को कंट्रोल कर लिया जाए वक्त रहते, लेकिन क्या डॉक्टर्स भी अपने स्तर पर या अस्पताल भी अपने स्तर पर गाँव में कैंप लगा रहे हैं? मैं यहाँ अगर इस लीक से हटके बात करूँ, अगर मैं जयपुरिया की लीक से हटके बात करूँ तो इसमें कोई अतिशोक्ति या गलत नहीं होगा। यहाँ एक सेंट जेवियर्स के मैं ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन में एक छोटा सा मेंबर हूँ, एक हमारी एसोसिएशन ने कैंप्स भी लगाए गांव में, पुराना एक सेंट जेवियर्स कॉलेज था उसको हमने कोविड केयर सेंटर बनाया जहाँ 20 बेड का एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के वार्ड भी तैयार करा, वहाँ निःशुल्क जाँच, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई और एक मूविंग वैन हमने इंतज़ाम किया है जो जयपुर के आसपास अब तक 11 गांवों में जा चुकी है, हर रोज़ जा रही है, पिछले एक दिन हर एवरी डे अलग अलग गांव में जाती है, अलग अलग पंचायत में जाती है और वहाँ लोगों का फ्री टेस्ट करते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं और जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक भी पहुँचा रही है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो यथायोग अपना कार्य कर रही है। बिल्कुल, और ये अच्छी अच्छी बात है कि प्राइवेट स्तर पर भी लोग अपने स्तर पर भी ये कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फोकस गांव में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं व्यवस्थाएं उस लिहाज से नहीं पहुँच पाती हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े या बहुत ज़्यादा पीछे गांव हैं, और इस तरह की मदद बेहद कह सकते हैं कि उनके लिए अच्छा है और इस महामारी को रोकने के लिहाज से भी बेहद अच्छा कदम है जो लोग उठा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सुनीत, अब एक और चीज़ें देखने को मिलती है, देखिए पोस्ट कोविड पे तो हमने बात की कि पोस्ट कोविड भी कई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको एक महीना डेढ़ महीने का वक्त लग जाता है लेकिन वो पॉजिटिव के बाद उनकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ पाती है, इतना लंबा जो जिन लोगों को रहना पड़ता है इसके दौरान, तो क्या आप मानते हैं इसकी वजह क्या है? इंटरनल कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा
बीमार भी नहीं है, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ भी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट उनकी नेगेटिव नहीं आ रही, ऐसे कुछ सवाल भी हमारे पास आए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद नवंबर में कोविड पॉजिटिव हुआ था, मेरी खुद की रिपोर्ट 28 दिन बाद नेगेटिव आई थी, तो ये बात कह रहा, पर ये दिमाग में ज़रूर था कि अपने आप को हमने पॉजिटिव रखा, ये रखा कि इससे डेथ रेट बहुत कम है, ये दिमागी तौर पे रखा कि एक दिन हम ज़रूर ठीक होंगे, ये रखा कि हम इस दरमियान क्या अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, वो हम पॉजिटिव सोच रखें। तो जो जैसा सोचता है, कई बार बॉडी में वैसे ही हार्मोन्स बनते हैं जी। तो ये डेफिनेटली है, जो सीरियसनेस है वो 7 दिन से लेकर 10-15 दिन के अंदर हो जाती है। अगर पेशेंट ने वो दिन निकाल दिए और अच्छी तरह है तो एक ना एक दिन वो ज़रूर नेगेटिव आता है। तो ये सबको संयम रखना चाहिए और अप्रोच पॉजिटिव रखनी चाहिए कि हम अच्छा खाएँ, छोटी छोटी एक्सरसाइज करें, दिमाग में मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को कूल रखें, अपने को इतना एप्रिहेंसिव नहीं होना है, हमको इतना डिप्रेसिव नहीं होना चाहिए, ना हमको एंग्जाइटी चाहिए, पर हाँ हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, हम अच्छी तरह इसको फेस कर पाएंगे। तो अगर दिमागी तौर पे, इसीलिए हमने एक पोस्ट काउंसलिंग सेशन भी यहाँ रखा है, जो भी पेशेंट जयपुरिया अस्पताल से डिस्चार्ज होता है उसको हम एक पोस्ट कोविड काउंसलिंग सेल में भेजते हैं, वहाँ वो कई बार भर्ती भी रहते हैं। हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं, जैसे एक डॉक्टर मुझे याद है गजानन जी हमारे, वो सबको काउंसिल करते हैं, उनकी टीम काउंसिल करती हैं, मैंने इसका इंचार्ज एक डॉक्टर शांडिलिया उनको बना रखा है, ये सब उसको देखते हैं कि ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित तरीके से चलें। और हर पेशेंट को घर जाने से पहले, क्योंकि उसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कहीं मैं वापस बीमार तो नहीं हो जाऊँगा, घर जाऊँगा तो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं खाने में क्या खाऊँ, मुझे कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी, दवाई कितने दिन लेनी है, ये वापस होगा क्या, यह वैक्सीन कितने दिन बाद है, ये छोटे छोटे से एप्रीहेंशंस हैं, ये दिमागी तौर पे अशांति पैदा करते हैं। इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक पहल की है जयपुर अस्पताल में, और हम पायनियर रहे कि हर डिस्चार्ज पेशेंट को काउंसलर के थ्रू ही इंटरेक्ट करने के बाद घर भेजा जाए, तो ये इफेक्टिव भी बहुत रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये बार बार सजेस्ट करते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी कितना हेल्पफुल होती है ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर अपने स्तर पर तो कोशिश पूरी करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उस मरीज का, उस पेशेंट का भी पॉजिटिव रहना, ये कितना ज़रूरी लगता है। और आपने, आपके पास तो कई पेशेंट आए होंगे, आपको फ़र्क भी नज़र आया होगा कि जो खुद से बहुत पॉजिटिव है उनका ट्रीटमेंट कितनी जल्दी है, दवाइयाँ कितनी जल्दी असर करती है। क्या ये भी है, क्योंकि लोग कई हैं जो ये जानना भी चाहते हैं कि ठीक होने के बाद भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और उस वजह से वो डिप्रेशन में भी गए। जी, ये सही कहा श्रोता जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब भी काउंसलिंग हो के अगर हॉस्पिटल से पेशेंट घर जाए तो ये हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि वो थ्रू काउंसलर ही जाए, और ये बहुत इफेक्टिव रहा है हमारे केस के अंदर भी। बिल्कुल, और एक लास्ट जरूर आपसे कमेंट चाहेंगे डॉक्टर सुनील, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप आज के कोरोना की स्थिति को देखते हुए, आने वाले वक्त के लिए तैयार रहने के मद्देनजर? सीधी सी एक ही एप्रीहेंशन है पब्लिक से, अपील ये है कि किसी के कहने में नहीं आए, कोई बहकावे में नहीं आए, इधर उधर के जो फालतू SMS और टेक्स्ट मैसेजेस में ना जाएं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उसी पे फोकस रखें, और जो सरकार की तरह से समय समय पे लेट डाउन गाइडलाइन जो लेट डाउन है उसी पे जाएं, और 3 चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और मास्क। बस इन 3 चीज़ों का अगर आपने कर लिया, यही अपील हमारी सबसे है, तो हम सब मिल के ये जाए बड़ी अच्छी तरह से पहले भी जीती है और आगे आने भी नहीं देंगे। और मैं कामना करता हूँ सब स्वस्थ रहें और हमको आगे कोई ऐसा पेंडेमिक देखने का भगवान मौका ना दे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सुनीत, बहुत शुक्रिया आपका सर शो में आने के लिए, तमाम अहम सवालों की जानकारी के लिए भी। लेकिन ये बात है, देखिए डॉक्टर सुनीत को भी आपने सुना कि आपको खुद पॉजिटिव रहना है, बेकार की चीज़ों को अपने दिमाग में हावी मत होने दीजिए। पॉजिटिव हुए तो नेगेटिव हो जाएंगे आप, लेकिन उसके लिए आपको भी अपने दिमाग से पॉजिटिव रखना होगा, एहतियात बरतना है, और जो गाइडलाइन है अपनी सुरक्षा को लेकर उसकी पालना करनी है, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।